आपने कई ट्रेडर्स को देखा होगा जो सिर्फ प्राइस को देखकर ही ट्रेड करते हैं। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन। कभी सोचा है ये लोग ऐसा कर कैसे पाते हैं? आज हम प्राइस एक्शन के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक के प्राइस को हम चार स्टेजेस में बांट सकते हैं और वो हैं: पहला अक्यूमुलेशन फेज, दूसरा अप ट्रेंड फेज, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज और चौथा डिक्लाइन फेज। ये चार स्टेजेस मार्केट के बेसिक प्राइस एक्शन को समझने में हमारी बहुत मदद करते हैं और ये स्टेजेस हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो इसे एक गौर से समझते हैं। सबसे पहला है अक्यूमुलेशन फेज। ये फेज एक भारी सेल ऑफ के बाद आता है, प्राइस बहुत नीचे गिर जाता है और फिर साइडवेज मूव करने लगता है बजाय नीचे गिरने के। मार्केट एक लेवल पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे बाइंग मोमेंटम बिल्ड करने लगता है और फिर थोड़े दिनों बाद ये मोमेंटम रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और मार्केट ऊपर भागना शुरू कर देता है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है अक्यूमुलेशन जोन, तो इस जोन में बायर्स स्टॉक को अक्यूमुलेट करते हैं यानी खरीदते हैं। इसके बाद शुरुआत होती है हमारे दूसरे फेज की, जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड फेज। इस फेज में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर मूव करता रहता है और हायर हाइज और हायर लोज बनाता रहता है। फिर एक लेवल के बाद ये भी धीरे धीरे थम जाता है और मार्केट एक बार फिर से साइडवेज मोमेंटम शुरू कर देता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। प्राइस एक लेवल पे जाकर रेजिस्टेंस बनाने लगता है और साइडवेज मोमेंटम शुरू कर देता है और फिर उसके बाद ये सपोर्ट को ब्रेक करता है और फिर शुरू होता है फाइनल फेज, जो कि है डिक्लाइन फेज। प्राइस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है और लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे गिरने लगता है और फिर से यही पूरा प्रोसेस रिपीट होता है बार बार। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर प्राइस अक्यूमुलेशन फेज में है और सपोर्ट तोड़ देता है तो क्या प्राइस नीचे गिरेगा? जी हाँ, बिल्कुल गिर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है जहां पर हम ये कहें कि प्राइस अगर अक्यूमुलेशन जोन में है तो उसे रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर ही जाना है। बेसिकली आप ये कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि प्राइस एक अक्यूमुलेशन जोन में है या एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है, जब तक कि मार्केट या तो रेजिस्टेंस तोड़े या फिर सपोर्ट तोड़े। अगर मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ता है तो हम ये कहेंगे कि प्राइस अक्यूमुलेशन जोन में था और अब हायर हाई बनाएगा। अगर प्राइस सपोर्ट तोड़ता है तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था, अब मार्केट लोअर लो बनाएगा। एक अक्यूमुलेशन फेज के बाद फिर से एक अक्यूमुलेशन फेज भी आ सकता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद फिर से एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी आ सकता है। तो अब आप सोचेंगे, तो फिर क्या ये चार फेजेस को समझना सीखना गलत है क्या? जी नहीं, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये चार फेजेस एक जरिया है, एक मीडियम है इसको समझने का कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो कह दिया है वही होगा। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं इन चार फेजेस को और हम ये समझते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक साल के लिए साइडवेज ही था। इस दौरान आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं किया। इस टाइम पर आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि ये स्टॉक अक्यूमुलेशन फेज में है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। ये हम तभी बता सकते हैं जब स्टॉक या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करे या फिर सपोर्ट ब्रेक करे। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम कहेंगे ये अक्यूमुलेशन फेज में था और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलते हुए अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है और फिर ये स्टॉक अपना अप ट्रेंड शुरू करता है, जहां ये हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। कुछ समय बाद स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है और कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं करता है। फिर से हम ये नहीं जानते कि ये एक और एक्यूमुलेशन फेज है या एक फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। ये तो तभी साबित होगा जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटेंगे। हम देख सकते हैं कि कुछ समय बाद स्टॉक ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया और लोअर लोज और लोअर हाइज बनाना शुरू कर दिया। इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था। चलिए मैं आपको कुछ और ट्रेडिंग टिप देता हूँ जिससे आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो अगर कोई स्टॉक अपने 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसमें हमेशा बाइंग के अवसर ढूंढने हैं
और अगर कोई स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वहां पर हमेशा सेलिंग के अवसर ढूंढने हैं और आप 50 मूविंग एवरेज की मदद से अपनी एंट्री स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप L&T में देख सकते हैं कि जब स्टॉक अपने 200 DMA के ऊपर है और जब भी ये नीचे आने की कोशिश करता है तो 50 DMA से इसे रिजेक्शन मिलता हुआ आप देख सकते हैं। आप 50 DMA के ऊपर जैसे ही एक कैंडल क्लोज होती है वहां पर बाय करने का व्यू बना सकते हैं और किसी रीसेंट स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वैसे ही हम एक बेरिश एग्जांपल भी देख लेते हैं। अमर राजा बैटरी में स्टॉक 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा था और जब जब स्टॉक ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है तो 50 DMA से उसे एक रिजेक्शन मिलता है। आप इस स्टॉक को जैसे ही एक कैंडल 50 DMA के नीचे क्लोज हो वहां पर सेल कर सकते हैं और रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पर दोस्तों याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस हमेशा काम नहीं करता है, तो अपने स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज को ध्यान में रख के ही मार्केट में आप ट्रेड करिए। उतने ही पोजीशन के साथ मार्केट में ट्रेड करिए जिसका लॉस आप हैंडल कर सकते हैं। और हाँ, जो भी हमने अभी एग्जाम्पल देखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। मुझे आशा है कि आप प्राइस एक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को और मूविंग एवरेज की मदद से किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट पर और भी वीडियोस लेके आएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्राइस एक्शन लिख के ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें ये पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।